सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेव। आज का जो इंटरव्यू सेशन है वो जबरदस्त रहने वाला है। जबरदस्त इस सेंस में कि अभी बैक टू बैक एआई के दो वैकेंसीज आए, जिसमें एक रहा आपने देखा होगा कि एआई जेई यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव की कॉमन कैडर की आई, जिसमें करीब 8 डिपार्टमेंट के पोस्ट रहे, 8 तरह के पोस्ट उसमें रहे थे, मेंशन रहे थे। और दूसरा उसके बाद में ही जैसे ही उसका एग्जाम होने वाला था, उसके एक दिन पहले ही आ गया था अपना एआई का जेई का एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इन्होंने दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से। तो बिना देर किए हम क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। और रही बात बाकी बातों की, ऐसे मान लीजिए आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो कमेंट सेक्शन में आप बाद में पूछ लीजिएगा। थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिएगा एंड डू चीयर अप। अगर कोई भी इंटरव्यू देता है, कुछ भी है, तो उल्टे 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 सवालों से के बजाय सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करें और चीयर अप करने की कोशिश करें। ओके, दैट वॉज ऑल। सो लेट्स वेलकम बिशन सिंह। सो हेलो बिशन, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर, गुड इवनिंग। तो पहली बात तो ये रहेगी कि एक छोटा सा अपने बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू दे दें, मतलब अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे दें, सॉरी, तो अपना एक खुद का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, और ताकि बाकी लोग भी आइडिया लग पाए कि कैसे आपने प्रोफेशन करी, क्या रहा। तो सर, नाम तो आपको पता चल ही चुका है, बिशन सिंह। तो सर, मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले से की है। जी, 10th और 12th वहीं से। 12th में मेरे पास बेसिकली पीसीएम था। उसके बाद सर, मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से किया। उसमें सर मेन सब्जेक्ट्स मेरे फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस रहे थे। उसके बाद सर, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। कुछ एग्जाम दिए सर, जैसे एसएससी, सीजीएल, ये बैंकिंग एग्जाम, कॉमन कैडर, एटीसी। तो लास्ट के दो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं सर मैंने अच्छे मार्क्स से। लगभग कितने दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे? बेसिकली जैसे मेरी जून में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। जून 2023। तो जनवरी 2023 से मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, बेसिकली मैथ्स, रीजनिंग इन सब की। तो सर, जुलाई में जैसे इस बार सीजीएल था, सीजीएल दिया। उसके बाद बैंकिंग एग्जाम दिए, पीओ क्लर्कल। वो मेरे जैसे एसएससी और सीजीएल बैंकिंग सेक्टर के साथ करने के कारण ही जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में काफी फायदा मिलता है। उसमें बेनिफिट मिल गया क्योंकि पैटर्न मिला वो बैंकिंग जैसा काफी रहा। सर, आईबीपीएस ने कराया था, रीजनिंग में काफी हेल्प मिल गई। तो इसलिए तुम्हें लग मिल गए। आप चाहें तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल में रख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर आता है वैसे। और इसके अलावा ये चीज है कि जैसे बाकी लोग हैं तो उनमें क्या रहता है कि थोड़ा टाइम लगता है कोई चीज समझने में, दो दो साल लग जाते हैं, 3 साल। लेकिन आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहा कि आपका इसी साल ग्रेजुएशन भी रहा, इसी साल समझिए दो दो बेनिफिट भी रहा है ना, बैक टू बैक दो एग्जाम निकलना। तो पहले आगे बढ़ने पहले जैसे बेसिकली मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th के बाद ही देने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा। मैंने एनडीए क्लियर किया 3 बार और कॉन्फ्रेंस आउट हो गया बेसिकली 2 बार। अच्छा अच्छा मतलब रहा है पूरा टाइम पे भी। हां, उसके बाद सर सीडीएस दिया, एफकेट दिया। अच्छा, अभी का जो एग्जाम दिया। अच्छा अच्छा, अभी का जो एट द मोमेंट का जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि जो 2 एग्जाम निकले हैं, एक कॉमन कैडर का, एक एटीसी का, तो आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा, तो आप किसके साथ जाएंगे, एटीसी में जाएंगे या कॉमन कैडर में जाएंगे? तो मेन डाउट है अभी सर, दोनों में हो गया, उसके बाद देखते हैं, बाकी उम्मीद है एटीसी में जाने का। हमारे हिसाब से भी वैसे एटीसी द बेस्ट है। हाँ, लेकिन एटीसी में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है छुट्टियों को लेकर के, कि उसमें त्योहारों पे खास करके थोड़ी दिक्कत होती है, छुट्टी यानी लीव मिलने में हल्की सी परेशानी होती है क्योंकि उस दिन ट्रैफिक ज्यादा रहता है। बाकी जो कॉमन कैडर है उसमें थोड़ी छुट्टियों को लेकर के सहूलियत रहती है, आराम से मिल जाए, आराम से तो नहीं मिलती लेकिन हाँ उसमें थोड़ा चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एटीसी में रिजल्ट के बाद आपसे बात कर लेंगे एक बार। हाँ, उसका भी रिजल्ट आ जाए, अभी तो फाइनल लिस्ट आना बाकी है कॉमन कैडर का। एनीवे, नेक्स्ट था ये कि जैसे वैसे तो बहुत लंबी जर्नी नहीं कहेंगे, मतलब ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में आपको जॉब मिला, लेकिन हाँ ये है कि आपने बताया जैसे कि स्कूलिंग टाइम से प्रिपरेशन में इंटरेस्ट रहा, कई सारे एग्जाम वाम दिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक होता ना कि समाज में एक आध बार वर्ड मिल जाता सुनने को कि हटके जब आप चलने की कोशिश कर रहे हैं कि इगोइस्टिक पर्सन है, एटीट्यूड में रहता है, क्योंकि हमको पता है कि आप सोशली उतने ज्यादा एंगेज नहीं रह पाए होंगे, भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही तभी तो एग्जाम निकलेगा, तो हल्का सा इस तरह की कंडीशनिंग मिलती है, और थोड़ा बहुत अपने आप में भी लगता है कि मैं सही से जुड़ नहीं पा रहा हूँ या सोशल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसमें मोरल या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो उसमें कहाँ से सपोर्ट वपोर्ट मिलता था? बेसिकली सर, पेरेंट्स ने मेरा शुरुआत से पूरा सपोर्ट किया सर। जैसे मैंने कि 12th के बाद पहले मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। अच्छा, यही एग्जाम दिया था, उसमें इतना खास तो नहीं रहा सर, लेकिन मिल रहा था कॉलेज एनआईटी, तो
एक एडमिशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था राजस्थान में इंजीनियरिंग में। अच्छा सर, तो इंजीनियरिंग में आपको कौन सा ट्रेड रहा है? सर इंजीनियरिंग नहीं की बेसिकली मैंने मैंने तो फिर उसके बाद सर घर वालों से बात की कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो उनका था कि जो तुम्हें करना है वो सही लगे वही करो। फिर सर मैंने वहां से विड्रॉल करके बीएससी में एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी। बीएससी रहा। अच्छा एक चीज और था, ये कॉमन कैटर में क्या आपने आरटीआई डाला था मार्क्स पता कराने के लिए कि कितने नंबर लगभग आए हैं? मैंने थोड़ा लेट डाला था एक्चुअली, 15 जनवरी को डाला था मैंने, अभी तक मेरे को लगता है अगले फ्राइडे तक रिप्लाई आ जाना चाहिए उनको। अच्छा, रिजल्ट भी आ सकता है, हो सकता तब तक रिजल्ट ही आ जाए। और एटीसी में आपके कितने मार्क्स रहे और कौन सा शिफ्ट था, शिफ्ट कौन सा था पहले बताएं? किसी में बेस रो मार्क्स सर 105 है अरे वाह और शिफ्ट जबरदस्त वन है। था सर। अरे बाप रे, तो नॉर्मलाइज करके तो 113 बनने वाले हैं आपके, 112 तो कम से कम बनेगा 112 के आसपास। और एक स्टूडेंट मुझे जहां तक याद है वही है जो 107 है, बाकी और मुझे नहीं पता कि कोई और से आगे होगा उसके बाद फिर आप ही हैं, तो बस एक ही है। रैंकिंग में आपका सेकेंड रैंक है लिस्ट में अपने, तो तभी बहुत बढ़िया रहा, जबरदस्त रहा फर्स्ट टाइम के हिसाब से, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको इसको लेकर के। अच्छा इसके बाद में जैसे ये रहता है ना कि कुछ भी हो लोग लंबा समय लेते हैं किसी चीज को तैयार करने में, आपने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में तैयारी करी कंप्लीट भी किया, तो सबसे पहला चीज तो ये रहेगा कि मतलब कैसे क्या रहा, जैसे जहां तक मुझे जानकारी है आपने कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं ज्वाइन किया था किसी कोचिंग वगैरह के लिए, मतलब क्या स्ट्रेटजी क्या रही आपकी बेसिक? स्ट्रेटजी बेसिकली सर जैसे 12 के बाद मैंने जेई एग्जाम क्वालिफाई किया था, उसके बाद एनडीए क्वालिफाई किया, तो मैथ फिजिक्स सर स्ट्रांग थी उसमें, कोई मतलब बेसिक स्ट्रांग थे तो उन पे इतने काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद सर आपको जो बाकी नॉन टेक का पार्ट था, तो मैं एसएससी और बैंकिंग प्रिपरेशन कर ही रहा था, वहां से हेल्प हो गई सर। तो जैसे मेन जो मेरे फॉर्मूलाज थे वो मैंने रिवाइज किए बेसिकली एक महीने पहले 11th 12th के मैथ्स और फिजिक्स के, इतना समझने में दिक्कत नहीं हुई सर, फिजिक्स में था ही बीएससी में तो इतना मतलब एकदम हटके नहीं लगा। नहीं लेकिन फिर भी जैसे पढ़ाई तो सबने ही करी होती है, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसा नहीं कि कोई न्यूकमर रहता है, सभी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन थोड़ी आती ही रहती है समय के साथ में, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी मैनेज कर पाना टाइमली और उतना फोकस कर पाना वो एक बड़ा चैलेंज रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। डिस्ट्रैक्शन तो थी सर जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब सब था, और बेसिकली सर लिमिटेड टाइम दिया उनको एग्जाम पे, थोड़ा ज्यादा फोकस किया 2-3 महीने। व्हाट्सएप आप नहीं यूज करते हैं बेसिकली? जहां नहीं सर व्हाट्सएप, नहीं नहीं सर व्हाट्सएप यूज करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप इन द सेंस हमारा था कि टाइम ज्यादा वेस्ट करने वाला व्हाट्सएप पे, चैटिंग होती ना रात में लोग दिन बच जाते हैं चैटिंग करते करते, तो सर डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, वो थोड़ा कम था मतलब था लेकिन कम था एकदम, मतलब कट ऑफ नहीं किया था थोड़ा था। अच्छा, तो अभी तो उधर से भी एक गुड न्यूज आपको मिलने वाली होगी जैसे ज्वाइन करेंगे आप। खैर अगली बात ये रही, जैसे एक कुछ भी हो कोर्स तो लंबा है ही है और 2 ही महीने मिलते हैं लमसम, तो लंबा कोर्स है भले ही आपका तैयार रहे कुछ भी हो फिर भी आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, यानी सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, हर चैप्टर में लगभग कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, तभी जाके कहीं कॉन्फिडेंस आता है, हवा में तो नंबर नहीं आते, मतलब मेहनत तो लगती ही है, तो कैसे टाइम मैनेज किया है आपने, किस तरीके से उसको पार्ट बाई पार्ट में बांटा है, यानी चैप्टर वाइज पढ़ाया क्या, मतलब थोड़ा सा अपना तरीका बताइए कि कैसे आपने तैयारी करी है, मतलब अपना राज थोड़ा सा बता के जाइए तो आपका सिलेक्शन हो चुका है बेसिकली। जैसे इस बार आप शुरू से कह रहे थे कि 11th 12th दोनों बराबर आएगा, तो 2 साल से जो पैटर्न रहा था मैंने प्रीवियस ईयर देखे थे, तो मतलब 12th का ज्यादा रहा था, 11th का काफी कम में रहता था, तो 11th 12th मैंने बराबर पोर्शन दिया, मतलब दोनों में बराबर टाइम दिया था, यूनी के 12th ही 12th का किया था बेसिकली, 11th के भी अच्छे खासे पोर्शन किया था। तो सर 11th और 12th का था बेसिकली, एनसीईआरटी मैंने कवर की थी मैथ्स में, मैथ्स में उसके बाद एनसीईआरटी कवर करने में सर पाथफाइंडर बुक आती है जो एनडीए के टाइम मैंने की थी, उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो वहां से लगा लिए थे सर। और सर जो फिजिक्स थी वो बेसिकली मैंने उससे गाइड बुक है सभी अरिहंत की नहीं अरिहंत नहीं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो नहीं बता रहे आप? नहीं ऑब्जेक्टिव साइंस या नहीं देख के बता सकते हो सर? अरे कोई नहीं बाद में बता दीजिएगा अभी। खैर
उसको मैसेज में कमेंट करिएगा, हम उसको पिन कर देंगे बाद में कमेंट सेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट चीज ये रही है कि जैसे मान लीजिए अभी आपके कॉमन गार्डर निकला हुआ था, फिर एटीसी भी दिया आपने, तो भौकाल पहले से था कि एग्जाम बना निकला होगा तो थोड़ा सा भौकाल ज्यादा बना। जैसे होता ना घरों में या समाज में थोड़ी सी एक रेपुटेशन में चेंज तो दिखता ही है जब एग्जाम वगैरह क्वालिफाई होते हैं, तो क्या रिएक्शन रहा है दोनों जॉब निकलने के बाद? एग्जाम तो पहला क्वालिफाई मतलब यूं है कि शुरू से ही फेलियर्स भी काफी देखे हैं सर, जैसे एनडीए के 3 फेलियर्स देखे थे एसएसबी में, उसके बाद सर सीजीएल में भी काफी मार्जिन 1 नंबर से रह गया था प्रीस बार, फिर शिफ्ट थी सर, उसके बाद सर एफकेट सीडीएस बहुत एग्जाम दिए सर, लेकिन ये इस बार एयरपोर्ट मतलब काफी बाद फेब का सर मेरे को पता नहीं चला था, पता नहीं वैकेंसी का ये सबका, इस बार एटीसी का जैसे नोटिफिकेशन आया तब एक फ्रेंड ने बताया था। अच्छा अच्छा यूट्यूब पे वीडियो सर्च की तो सर आपका चैनल आया आपके सामने, तो उनके थ्रू एटीसी के बारे में पता चला। तो सर उसके बाद फिर एग्जाम करते गए और कुछ फायदा सर वो आपको पहले बताया था, बैंकिंग और एसएससी कर रहे थे काफी हेल्प होगी जूनियर कॉमन कैडर में, तो एटीसी में सर फिर 1-2 महीने वैकेंसीज भी अच्छी थी इस बार, साथ में प्रिपरेशन 1-2 महीने अच्छी की, उसके बाद एटीसी भी निकल गया सर। अच्छा, फैमिली में तो हुआ है सर, थोड़ा बहुत नाम होता ही है तो है ही। खैर अच्छा, मोटे मोटे तौर पे जो हमारे तरफ से जितने हमको लगा कि मतलब पूछने चाहिए वो सारी चीजें तो हमने लगभग पूछ डाला आपसे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि 2-4 चीजें और हैं जो आपको बतानी चाहिए अपनी तरफ से, है ना? तो थोड़ा सा अपने हिसाब से कि मतलब जैसे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि 2 बार भी तैयारी कर चुके, 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, इस बार शायद उनका बढ़िया नहीं परफॉर्म रहा, कुछ का ऐसा है जो पहली बार में हुआ जिनमें आप भी हैं, कुछ हैं जिनका पिछली बार नहीं हुआ था इस बार हुआ, जैसे शिवेंद्र वगैरह जो इंटरव्यू देने आए थे, तो उस लेवल पे प्रिपरेशन के लिए आप क्या मतलब सलाह देंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से कुछ दे दें थोड़ा सा ताकि लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रह जाए। बेसिक तो सर मैथ्स में तो सर एनसीईआरटी से बात कुछ नहीं चाहिए, एनसीईआरटी प्रॉपर अच्छी तरह रिवाइज क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर ले, और उसमें भी सर जैसे आप 11-12 का बराबर टाइम दे, यूं नहीं कि आप 11th को छोड़ दें और 12th में लगे, क्योंकि इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। और फिजिक्स में आप कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए, और क्वेश्चन सर जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे उस पे ही है फिजिक्स में। अच्छा, अभी इसका वॉइस टेस्ट का आई थिंक डीवी के लिए जो इसकी लिस्ट होगी वो नेक्स्ट वीकेंड तक आने की उम्मीद है, मतलब माना जा रहा है कि 16-17 तारीख तक एक लिस्ट आएगी, तो कुछ वॉइस टेस्ट के या डीवी के बारे में कुछ प्रिपरेशन वगैरह आपकी चल रही है कि किस हिसाब से? इसीलिए सर अभी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, जैसे कोचिंग ज्वाइन कर रखी है सर। अच्छा, अभी आगे अभी लंबी जर्नी है, अभी ये फुल स्टॉप नहीं है, इसके बाद अभी काफी कुछ है सर। यूपीएससी की भी करनी है उसके, तो बेसिकली न्यूज़पेपर रोज हिंदू दा हिंदू सर पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस बार मतलब 1-1.5 साल आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा यूपीएससी के लिए भी, जैसा मतलब आपका कैलिबर है। अच्छा, एक चीज मेरी तरफ से जितना मैं जान रहा हूँ उस हिसाब से कि एआई में अगर आप जॉब करते हैं तो फॉर्म भरने के टाइम पे ही उनको उनसे एनओसी लेना पड़ता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसा है अभी अभी अटेम्प्ट को 2025 का अटेम्प्ट देना, अभी तो नहीं देना इस साल वाला, तो इस साल वाला अगर इस साल वाला नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट इस साल में भी तो एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी, आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं, फायदा मिलेगा आपको उसका इस बार, और नेक्स्ट ईयर तो लेना पड़ जाएगा। प्रिपरेशन भी नहीं है सर इस बार इसमें। अच्छा अच्छा, खैर कोई नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों के इसे डाउट आए हैं इस बार, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि फॉर्म में ही सबने डाउट भेजे हैं, तो एक में ये है कि प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या रहता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बुक से ही लगा के काम बन जाएगा या कोई टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, मतलब आपके लिए क्या प्रैक्टिस सोर्स रहा सबसे ज्यादा? सब मैंने भी टेस्ट सीरीज पहले बोल गया था, टेस्ट सीरीज बेसिकली सर मैंने टेस्ट बुक से की थी, मेरे पास सब्सक्रिप्शन था तो टेस्ट बुक से बेसिकली प्रीवाईक्यूज ही किए थे सर। एग्जाम जो एग्जाम पैटर्न वहाँ पे 2 घंटे एग्जाम देना सर, उसके पैटर्न के हिसाब से करेंगे ना क्वेश्चन, एक तो नॉन टेक टेक साथ हो जाएगा सर, सेक्शन वाइज सर बढ़िया है, पूरा एग्जाम ही दो सर पूरा, मतलब आप करके पूरी मतलब रिविजन, उसके बाद सेक्शन वाइज दे सकते हो, मैथ्स का दे दिया, क्वांट का दे दिया, फिजिक्स का दे दिया, उसके बाद आप पूरा एग्जाम दो, मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले जितने भी पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट हो सके उससे टाइमिंग इंप्रूव होगी सर। मेरा भी जैसे एग्जाम में लग 10-15 मिनट एग्जाम पहले हो गया था,
तो काफी हेल्प मिला। 10-15 मिनट पहले ही एग्जाम आपने कंप्लीट कर लिया था तो जबरदस्त रहा, टाइम भी आप बचा ले गए थे। खैर, इसके अलावा मैं ये मतलब पूछना चाह रहा था कि जैसे आप करियर वेव के साथ में, हमें लग रहा है कॉमन कैडर के टाइम से ही जुड़े थे, तो कुछ हमारी भूमिका उसमें थोड़ा सा बता देंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी पूरा पूरा सुखद जो भी सर ए जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में जानने को मिला है वो आपके चैनल से थ्रू पता चल जाएगा। और बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी लिखते ही सर आपका चैनल, पहली दो वीडियोस आपकी ही आती हैं। चलो इतना तो खैर मेरे अगर यूट्यूब पंप कर रहा है तो मैं सर आपका काफी अच्छा रोल था सर, प्रिपरेशन के टाइम, गाइडेंस के टाइम, और बेसिकली जो एंड लास्ट पॉइंट पे जो रिवीजन वीडियोस थे सर वो काफी हेल्प की थी। तो अभी के लिए हमारी तरफ सारे क्वेश्चन हो गए, एनी लास्ट मैसेज, जैसे क्या बताएंगे? सबसे सबसे ज्यादा दिक्कत जो रहती है वो ये रहती है कि वैसे इंटरव्यूज में तो कोई नहीं बताता, लेकिन जब कॉल और बात होती है सबसे बड़ा समस्या ये रहता है कि सर एक हफ्ते तक ऐसा नहीं होता कि मैं ढंग से पढ़ पाऊँ, डिस्ट्रैक्शन जो हमने पाल रखे हैं पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, उधर भी टाइम देना पड़ता है, घर पे भी टाइम देना पड़ता है, और फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं उस पर भी टाइम देना पड़ता है, तो सोचते हैं कि 6 घंटे पढ़ेंगे 8 घंटे पढ़ेंगे वह पढ़ नहीं पाते उतना टाइम, ऐसा मतलब आमतौर पर रहता ही है जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, तो आपका इसमें क्या सुझाव रहेगा? मेरा ये था कि रोज पढ़ना है, भले आधे घंटे भी पढ़ूं सर रोज, मतलब 3 क्वेश्चन किए तो भी करने हैं सर रोज के, तो बेसिकली इससे क्या शेड्यूल नहीं टूटेगा सर, कम से कम कि आपने कल कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो आज कंटिन्यूटी रहेगी सर उसमें, भले आधे घंटे ही पढ़ो रोज सर। अगर छुट्टी भी लेनी है तो पहले हफ्ते के पहले ही सोच लो कि मुझे संडे की छुट्टी लेनी है, तो 6 दिन उसको आप कवर करो। ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि अगर रेगुलरिटी रहे, भले ही दो, हम लोग भी बैच वगैरह चलाते तो हम बच्चों से कभी भी ये नहीं बोले कि दिन भर पढ़ना है, बस हफ्ते सिर्फ डिमांड करते थे भाई 3 से 4 घंटे में दीजिए और वो इनफ रहेगा, बस रेगुलर रहे, वो डेली का डेली रहे तो काम बन जाएगा, बस हफ्ते अगर एग्जाम टाइम में आप 8 नहीं 14 घंटे पढ़ लीजिए कोई फर्क विशेष नहीं पड़ने वाला है, टाइम पे कितना कोई पढ़ पाया, तो वाकई में जबरदस्त स्ट्रेटजी। खैर, इसके अलावा मतलब क्रेडिट में किसको देंगे? जैसे मेहनत तो आपकी ही पूरी है, लेकिन मम्मी पापा रिलेशन स्पाउस किसे आप सबसे ज्यादा क्रेडिट देंगे अपने सफलता का? मम्मी पापा, जैसे तो मैंने राजस्थान से था तो 3 साल हो गए घर तो गए, मतलब जाते हैं बीच बीच में, दिल्ली रहता हूँ सर दोस्तों के साथ, तो फ्लैट में रहते हैं सर 5 दोस्त है, फिर आप फ्लैट में जानते हैं सर, लेकिन उन्होंने एग्जाम के टाइम पूरा सपोर्ट किया था, जैसे पूरा टाइम देते थे, जैसे कोई भी काम होता था तो मेरे को सबसे लास्ट में प्रेफर करते थे कि एग्जाम के टाइम तू पढ़ ले एक बार, कोई ना हम कर लें, जहां तक मुझे पता है कि जैसे कहीं भी अगर 4-5 दोस्त जैसे आप बता रहे 4-5 दोस्त अगर इकट्ठा हो जाए तो लगता कि प्रिपरेशन हो पाती है, प्रिपरेशन हो जाती है, एग्जाम की नहीं हो पाती, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एनी लास्ट मैसेज या कुछ अपने तरफ से कॉम्प्लीमेंट या कोई चीज ऐसा जो आप शेयर करना चाहें बाकी व्यूअर्स से, क्योंकि ये वीडियो हमें लगता है कि आपके सारे रिलेटिव तक भी जाएगी, सारे हमारे स्टूडेंट्स तक भी जाएगी, और क्योंकि अभी रिजल्ट इसका फाइनल वाला मतलब बीवी लिस्ट नहीं आई है, फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी जितने भी स्टूडेंट अपियरिंग हैं आपके साथ में फाइट भी कर रहे हैं उनके पास भी जाएगी, तो सबके लिए सोच करके कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दें आपकी तरफ से। जैसे अभी लोगों के बारे में अभी काफी लोगों को कम पता है सर इनके एयरपोर्ट के जॉब्स के बारे में, लोग सोचते थे गेट के थ्रू और इनके थ्रू ही होता है, लेकिन सर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है यूट्यूब के थ्रू आपके थ्रू लोगों के बारे में, और सर ये वैकेंसी एक मेरे लिए तो सर काफी अच्छी रही है, क्योंकि पहले तो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं सर काफी अच्छे मार्क्स से, तो सर प्रॉपर प्रिपरेशन और सर इतनी मेहनत नहीं मांगता इतने एग्जाम ये जितनी बाकी एग्जाम्स में टफनेस, और सर इतना वो भी नहीं है इसमें कि पेपर लीक हो गया और ये सब इश्यूज भी एग्जाम में बहुत कम, तो प्रॉपर टाइमली वैकेंसी पूरी हो रही है, तो सर ये सबसे बड़ी चीज है, इसलिए अगर आप पूरे मेहनत से तैयारी करेंगे सर एग्जाम निकलेगा। ये 4-6 महीने का हमको लगता है टोटल टाइम लगता है, कभी कभी 7-7.5 महीने लग जाते हैं फाइनल मतलब ज्वाइनिंग तक में, लेकिन जितनी स्पीड से ये होता है मैंने लगता कोई और एग्जाम करवाता होगा कितने स्पीड से कोई और। हाँ सर, इस बार भी एग्जाम का भी रिजल्ट मतलब 1 महीने के आसपास दे दिया इन्होंने। यार, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके और मजा भी आया, काफी अच्छी हम लोग बात करी, और अगर कुछ जैसे अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहे जो कि छूट रहा हो तो आप जरूर शेयर करिए, बाकी सेशन तो बहुत बेहतरीन रहा और इसको हम
जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी अपलोड करवाएंगे इसको यूट्यूब पे, ठीक है? ठीक है सर। ओके देन विश यू द ऑल द बेस्ट, और बाकी आगे की जर्नी में कहीं भी हेल्प की जरूरत पड़े करियर में भी ऑलवेज विद यू गाइस। सो दैट वाज ऑल फॉर द सेशन, एंड हमारे साथ विशन सिंह रहे और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने मेहनत करी है। आई थिंक सबको पता भी होगा इनके बारे में क्योंकि कॉमन कैडर क्वालिफाइड बैच ग्रुप जो है टेलीग्राम का उसमें भी आपने देखा होगा, और साथ साथ में अभी एटीसी में भी आपने देखा होगा इनका नाम आया था। सो बड़े कोशिशों के बाद में हम लोगों ने एक साथ टाइम अरेंज किया कि किस तरीके से एक इंटरव्यू डाली जाए, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति बड़े विरले ही मिलते हैं। क्वालिफायर तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन थोड़े प्रतिभा वाले कैलिबर वाले लोग कम मिलते हैं। अब इनकी कैलिबर आप देख सकते हो कि इन्होंने एनडीए फिर इंटर के बाद में अपने 2-3 एग्जाम बता रहे थे, और इसके बाद में एफकैट भी बता रहे थे कि इन्होंने किया है, कॉन्फ्रेंस से आउट हुए, और फिर उसके बाद में आप देखोगे तो एसएससी बैंकिंग, और फिर हमें लगता कि 7-8 महीने ज्यादा हुए हैं एग्जाम भी, उनका ग्रेजुएशन हुआ और तुरंत देखिए एटीसी भी निकला। तो मतलब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बहुत रेयरली ही मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और बाकी कोई भी डाउट होगी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में इसको जरूर डालिएगा, एंड वी विल लव टू सी दैट। ओके विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।